उच्च अंक लाओ, टैबलेट ले जाओ। यानी 3 महीने परीक्षा होती थी, 2 से 3 महीने परिणाम आने में लगते थे। उस छात्र के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं जो देश का भविष्य है, जो देश की आधारशिला रखने वाला है, या छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके शिक्षण संस्थानों को अपवित्र करते हैं, वे देश के सही मायने में दुश्मन है। आज बच्चे आते हैं, देखते हैं, उनके मन में एक ललक होती है स्मार्ट क्लास के साथ जुड़ने की, उनके मन में एक ललक होती है अपनी डिजिटल लाइब्रेरी को देखने की। सीएम योगी ने लखनऊ में एक मंच से 1745 मेधावी बच्चों को सम्मानित करते हुए कहा कि शिक्षा माफिया देश के दुश्मन हैं। पिछले 6 सालों में योगी सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों की दयनीय स्थिति को ठीक करने के लिए मिशन कायाकल्प चलाया गया, जिसका परिणाम रहा कि तकरीबन 1.25 लाख प्राथमिक विद्यालय चमक उठे। योगी ने अपने उद्बोधन में यह बात दोहराई कि मिशन कायाकल्प और स्मार्ट क्लास से जुड़े बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के विभिन्न बोर्डों के और यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या आईएसएससी बोर्ड के जो भी मेधावी छात्र हैं, प्रदेश स्तर के, प्रदेश की मेरिट सूची में जिन्होंने स्थान बनाया है, उन्हें आज यहाँ प्रदेश में और जनपद स्तर के मेरिट से जुड़े हुए सभी मेधावी छात्रों को जनपद स्तर पर प्रदेश सरकार के मंत्री और अन्य मान्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आज सम्मानित किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं प्रदेश शासन की ओर से आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके उज्ज्वलमय भविष्य के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। किसी भी राज्य के बोर्ड से सबसे बड़ा बोर्ड उत्तर प्रदेश का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है और लगभग 56 लाख छात्र छात्राएं प्रतिवर्ष हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में यहाँ भाग लेती हैं। यानी 3 महीने परीक्षा होती थी, 2 से 3 महीने परिणाम आने में लगते थे, फिर 2 महीने प्रवेश लेने में लगते थे, 8-9 महीने इसी में व्यतीत हो जाते थे, फिर पर्व और त्यौहार आ गए, उसके बाद फिर परीक्षा शुरू हो जाती थी। ये उस छात्र के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं जो देश का भविष्य है, जो देश की आधारशिला रखने वाला है, उसके साथ जब खिलवाड़ करेंगे, इसका मतलब आप देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रगति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जो भी नकल के माफिया हैं, समाज के वे सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो नकल करा करके या छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके शिक्षण संस्थानों को अपवित्र करते हैं, वे देश के सही मायने में दुश्मन है। ऐसे दुश्मनों को चिन्हित करके, वे किसी भी संस्थान से जुड़े हुए हो, चिन्हित करके उनका सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए और प्रशासन को भी उनके साथ सख्ती से निपटने की कार्रवाई करनी चाहिए, जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में व्यापक परिवर्तन करने के प्रयास भी हुए, ऑपरेशन कायाकल्प में से एक उदाहरण है, और मैं कहूंगा जैसे बेसिक शिक्षा परिषद ने ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से 1,33,000 विद्यालयों को बहुत अच्छा विद्यालय बनाया है। आज से 6 वर्ष पहले अगर आप उन विद्यालयों में गए होते तो आपको बेसिक शिक्षा परिषद के वे विद्यालय ऐसे लगते जैसे कोई खंडर है, बेतरतीब थे, काई जमी हुई थी, बड़े बड़े पेड़ उगे हुए थे, अस्त व्यस्त माहौल था, अंदर पेड़ अंदर भी झाड़ियां बहुत सारी जगह उगी हुई दिखती थी, कूड़ा जगह जगह पड़ा रहता था, कच्चा फर्श था, टॉयलेट नहीं थे, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, लाइट नहीं थी, लाइब्रेरी और अन्य उसकी बात तो दूर है, ये वहां के माहौल थे ज्यादातर के।
लेकिन जन सहभागिता के माध्यम से सरकार ने जब आह्वान किया, परिणाम हुआ 1,33,000 विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से अच्छी फ्लोरिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट हो गए, पेयजल की व्यवस्था हो गई, स्मार्ट क्लास आ गई, वहां पे लैब बन गई, उनकी लाइब्रेरी बन गई, बहुत सारे विद्यालयों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। आज बच्चे आते हैं, देखते हैं, उनके मन में एक ललक होती है स्मार्ट क्लास के साथ जुड़ने की, उनके मन में एक ललक होती है अपनी डिजिटल लाइब्रेरी को देखने की, उनके मन में एक ललक होती है कि लाइब्रेरी में हम भी अपने पाठ्यक्रम के इतर कुछ नई पुस्तकों को देख सके। और ये एक नई ललक मुझे वहां पे उन बच्चों के साथ जब संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ, ये भी हमने वहां पर देखा और बहुत अच्छे परिणाम उसके सामने आए हैं। आज ये चीजें भी हम लोग वहां पर देख चुके हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे बेसिक शिक्षा परिषद के 1,33,000 विद्यालय जन सहभागिता के माध्यम से और सीएसआर निधि से उनका कायाकल्प हो सकता है, ऐसे ही माध्यमिक शिक्षा परिषद चाहेगा तो, माध्यमिक शिक्षा विभाग चाहेगा तो माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए विद्यालयों को भी हम लोगों को इसी तर्ज पर आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। देखते रहिए अमेज़ नाउ।